2024 नए सपने नई उड़ान। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं डेट मार्केट की या आपके पोर्टफोलियो में जो भी फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन है उस पर बात करेंगे। ये पूरा साल 2023 फिक्स्ड इनकम के लिहाज से कैसा गुजरा है, 2024 के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आपके डेट पोर्टफोलियो में, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ महेंद्र चाचू CIO फिक्स्ड इनकम मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका चाचू सर। और लगातार इस पूरे साल आपसे बात होती रही है, आपने समझाया किस तरह से महंगाई को लेकर, ग्रोथ को लेकर, इकोनॉमिक डेटा को लेकर ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन अब क्योंकि हम एक हायर जोन ऑफ इंटरेस्ट रेट पहुंच चुके हैं जहां पर अब थोड़ा सा ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है, 2024 के समीकरण की ओर मैं जाऊं, उससे पहले 2023 का एक रीकैप मैं चाहती हूं जहां पर हमने काफी उतार चढ़ाव देखा। साल की शुरुआत हमने की इस उम्मीद के साथ कि रेट कट इसी साल होता हुआ हम देखेंगे, लेकिन वहाँ तब्दीली आ गई। एक बात अच्छी रही कि US रिसेशन में नहीं गया, वहाँ पर काफ़ी हद तक हमने स्थिति को कंट्रोल में आते हुए देखा है, लेकिन कमोबेश इतने उतार चढ़ाव के साथ 2023 का समअप डेट मार्केट के लिहाज से आप कैसे करेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले कविता जी आपने मुझे बुलाया, और जैसा आपने बताया 2023 काफ़ी उतार चढ़ाव वाला साल रहा। साल के शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि जो US इकोनॉमी है वो इतने ऊंचे ब्याज दरों का वजन सहन नहीं कर पाएगी और वहां पर शायद रिसेशन आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरा, लोगों को लग रहा था कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट होंगे तो शायद बैंकों पर या जो शेडो बैंक्स है NBFC उनको कुछ तकलीफ हो, और जब मार्च में सिलिकॉन वैली बैंक वहां पर कोलैप्स हुआ तो मार्केट ने एक तरह से एक 100% प्रोबेबिलिटी लगा दी कि अब तो फेड को रेट कट करना ही पड़ेगा और ब्याज दरें नीचे आएगी। लेकिन इस बार फेड ने कुछ अलग फॉर्मूला यूज किया और उन्होंने पूरे मार्केट में लिक्विडिटी डालने के बजाय सिलिकॉन वैली बैंक को एक तो पहले बेल आउट किया और उसके बाद उन्होंने एक लिक्विडिटी विंडो खोल दी कि जिस बैंक को जरूरत हो वो बैंक जाके लिक्विडिटी विंडो से पैसे ले सकते हैं। तो उसके कारण मार्केट तो संभल गया और बट फिर भी लोगों को लग रहा था कि आगे पीछे टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फेड रेट कट करेगा। लेकिन जून जुलाई के बाद जो हमने वहां पर माहौल देखा कि US इकोनॉमी एक्चुअली 2% से ज्यादा रेट से ग्रो हुई पहले क्वार्टर में, उसके बाद लास्ट क्वार्टर में करीब करीब 5% से US इकोनॉमी ग्रो हुई, तो रिसेशन का तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी काफी हद तक ऊंचे स्तर पर ही रहा, तो फेड को जिस ट्रेजेक्टरी से इन्फ्लेशन नीचे आने की उम्मीद थी या जो वो देख रहे थे वैसा कुछ नहीं दिखा, तो फेड भी रेट हाइक करता रहा और लास्ट अक्टूबर में भी फेड ने रेट हाइक किया। वो भी उस समय हुआ जब बाकी जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है या बाकी जो दूसरे देश है वो अपने US ट्रेजरी की होल्डिंग कम कर रहे थे, फेड भी अपनी सिक्योरिटीज बेच रहा था, तो एक तरह से वो सब कॉम्बिनेशन को लेके हमने देखा कि जुलाई अगस्त सितंबर में सडनली US 10-year yield 4% से बढ़ के करीब करीब 5% के स्तर पे पहुंच गया, जो कि लास्ट 15-20 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल है US 10-year yield का, और उसका इम्पैक्ट बाकी ग्लोबल मार्केट्स पे भी हुआ। लेकिन बाद में अक्टूबर नवंबर में जब तेल के दाम इजराइल हवास की लड़ाई के बाद भी नीचे रहे, US में इन्फ्लेशन नंबर कम आ गया, तो उसके बाद सडनली एक मार्केट में एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी। और उसमें एक फैक्टर ये भी था कि फेड जो है अभी 2 साल से रेट हाइक कर रहा है और एक ऐसे स्तर पे लेवल पे रेट आ गई जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में थी, 15-20 साल में इतने ऊंचे रेट नहीं थे। तो अब जब इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और रेट काफी ऊंचे स्तर पर है तो क्या रेट हाइक करते रहने की जरूरत है? और इस संदर्भ में जब जो फेड चेयरमैन है जेरम पॉल, उन्होंने अपनी लास्ट पॉलिसी में एक थोड़ा सा ऐसा हिंट दिया कि शायद अब रेट हाइक करने की जरूरत नहीं है, या उन्होंने कहा कि अब रेट हाइक करने के पहले हमको काफी बार सोचना पड़ेगा क्योंकि रेट्स काफी ऊंचे स्तर पर ऑलरेडी है, तो उसने मार्केट को एक नई उम्मीद दी और उसका नतीजा हमने देखा कि जो US 10-year yield 5% पे चली गई थी बहुत छोटे अंतराल में, मतलब 2 हफ्ते में वो 5% से गिर के 4.10 के लेवल पे आ गई। तो उसके बाद अब लोगों में एक उम्मीद जगी है
हालांकि फेड का अभी भी यही मानना है कि इंटरेस्ट रेट जिस स्तर पर पहुंच गए हैं वहां से उनको नीचे लाने के लिए काफी कुछ उनको इकोनॉमिक नंबर्स में जैसे इन्फ्लेशन है वगैरह में सुधार और देखना है, लेकिन आई थिंक मार्केट को आज लग रहा है कि रेट्स नीचे आ सकते हैं। भारत में भी हमने वैसा ही कुछ माहौल देखा, हालांकि एक चीज की हमें जरूर सराहना करनी पड़ेगी, जिस तरह से रिजर्व बैंक ने भारतीय इकोनॉमी को मैनेज किया, हमारे देश में इंटरेस्ट रेट जो है वो एक काफी छोटे रेंज में ट्रेड करती रही। यूएस में हमने देखा है साल भर में 10 ईयर का रेंज करीब करीब 3.5 से 5% का था, जबकि इंडिया में जो 10 ईयर यील्ड उसकी रेंज मेरे ख्याल से करीब करीब 7 से 7.40 के बीच में रही। तो बिकॉज ऑफ रिजर्व बैंक के सही मैनेजमेंट के कारण हमारे देश में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, जो इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं, जो हाउस लोन ले रहे हैं, गाड़ी पे लिए लोन ले रहे हैं, उनको ऐसा उतार चढ़ाव नहीं देखना पड़ा। और हालांकि फेडरल रिजर्व ने 4 बार रेट बढ़ाए, फरवरी से अक्टूबर तक रिजर्व बैंक अपने 6.5 के लेवल पर स्थिर था, तो आरबीआई ने एक प्रियम्प्टिव कॉल लिया कि हमारा जो इन्फ्लेशन है, हमारा जो ग्रोथ है, उसके हिसाब से हमारे लिए इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी काफी ऊपर आ गए। सो एक वो स्टैंड आउट फीचर रहा कि आरबीआई ने एक दुनिया के जो ट्रेंड चल रहे उसे एक अलग कॉल लिया और वो सही कॉल रहा, तो जिसने हमारे देश के लोगों को काफी सारे उतार चढ़ाव से बचाया और हमारी इकोनॉमी आप देख रहे हैं कि उस मैनेजमेंट के कारण आज उन्होंने अपनी ग्रोथ जो ग्रोथ दर है उसका एक्सपेक्टेशन FY24 के लिए 6.5 से बढ़ा के 7% कर दिया। जी, अब थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम 2023 के 24 के समीकरण पर भी फोकस करें। देखिए, घरेलू ट्रिगर्स तो हमारे यहाँ चुनाव हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जिस तरह का डेटा आएगा उस पर निर्भर करता है कि ब्याज दरें क्या घटना शुरू हो जाएंगी। कुछ कह रहे हैं हो जाएंगी, कुछ कह रहे हैं कि थोड़ा समय लगेगा, कुछ और क्लैरिटी की भी ज़रूरत होगी। कमोबेश, एक आम निवेशक या आम आदमी के नज़रिए से मैं समझना चाहूँ, वो तो इंतज़ार कर रहा है कि कब ईएमआई का बोझ, जो राशि बढ़ती हुई राशि का बोझ है, वो कब कम होगा। फिलहाल अगर बढ़ी नहीं है ब्याज दरें तो उनके लिए घटी भी नहीं है, लेकिन क्या 2024 में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं 3 महीने 6 महीने के बाद जो है, जो आपकी जेब पर बढ़ती हुई ईएमआई है, उसका बोझ कम हो जाएगा? क्या इसके समीकरण आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक उम्मीद तो जगी है अभी, बट अभी आई थिंक ये कहना कि ईएमआई कम हो जाएगी या इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे काफी आई थिंक प्री मेच्योर होगा। बिकॉज देखिए, मैंने आपको जैसे बताया पिछले सेक्शन में कि सारी दुनिया में फरवरी से लेके दिसंबर तक ब्याज दरें ऊपर गई है, हमारी ब्याज दर स्थिर रही है, तो हमने काफी हद तक तो ईएमआई को बढ़ने से रोक लिया है। वो रिलीफ हमारे इन्वेस्टर के पास, हमारे आम आदमी के पास ऑलरेडी है। अब जहां तक सवाल है कि ब्याज दरें कम होगी कि नहीं, उसमें एक इक्वेशन ये है कि जब बाकी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ रही थी लास्ट 6-8 महीने में, हमने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई और हमने मार्केट दरों को भी ऊपर नहीं जाने दिया, तो अब ये एक एक्सपेक्टेशन नॉर्मल रहेगा कि जब बाकी जगह पे सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और ब्याज दरें कम होगी, तो पहले दौर में शायद हमारी ब्याज दरें कम नहीं होगी। अभी ये एक सबका अनुमान है कि अगले 6 महीने 8 महीने के बाद विश्व बाजारों में ब्याज दरें शायद कम होगी, फेड कुछ रेट कम करेगा, उसका इम्पैक्ट हमको भी मिलेगा। बट एक थोड़ा सा ये डेवलपमेंट है कि लास्ट ईयर यूएस का इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा था और उनकी ब्याज दरें हमसे कम थी, लेकिन ये जो लास्ट 6-8 महीने में उसके कारण अब यूएस में इन्फ्लेशन कम हो गया और हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा है। जैसे अभी हमारा इन्फ्लेशन करीब 5% है, यूएस का इन्फ्लेशन करीब 3.25% है। हमारी ब्याज दरें जो की पॉलिसी रेट है रिजर्व बैंक की वो 6.5% है, फेड की अभी 5.5% है, जो कि हिस्टोरिकली लोएस्ट स्प्रेड है। तो हमारे पास मार्जिन ऑफ एक्शन थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमने जब कठिन समय बाकी लोगों के लिए था हमने अपने आप को स्थिर रखा। तो मैं तो कहूंगा कि अभी जो मुझे माहौल लगता है कि ईएमआई बढ़ेगी नहीं, लेकिन अभी तुरंत उसको हम एक्सपेक्ट करेंगे अगले 3 महीने 6 महीने में कम हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, जून जुलाई के बाद जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी, जैसे आपने बताया कि हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन अभी थोड़ा सा क्लैरिटी दिख रही है कि शायद ये सरकार कंटिन्यू हो जाए, लेकिन उसमें भी अभी जो फरवरी में बजट आएगा वो वोट ऑन अकाउंट आएगा, तो इस नई गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी, क्या फ्यूचर
फिजिकल डेफिसिट रहेगा, कितने बोरोइंग रहेंगे, वो हमको कहीं जाके जून जुलाई में पता चलेगा। और जून जुलाई में हमको पता चलेगा कि फेडरल रिजर्व शायद रेट काट रहे कि नहीं काट रहे। तो मुझे लगता है कि बिफोर जून जुलाई, तो अगले 6 महीने रिजर्व बैंक के पास शायद कोई स्कोप नहीं है रेट काटने का। उसके बाद एक उम्मीद है कि रेट कम होंगी। जाजू सर, अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज पर आ जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आपको अच्छी ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखाई दी है, हालांकि छोटी बचत योजनाओं के लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि वहां पर जो बढ़त हुई है वो बहुत ही कम हुई है, और कुछ चुनिंदा स्कीम्स में तो हुई भी नहीं है। हालांकि फिक्स्ड इनकम में अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की ओर देखें, तो अगर आपने रणनीति बना रखी है छोटी अवधि के डेट म्यूचुअल फंड्स में, तो शायद आपको अच्छी खासी ब्याज दरें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वो तमाम निवेशक जो कि इस बढ़ती हुई ब्याज दरों के सिनारियों को देखते हुए शायद फिक्स डिपॉजिट की ओर चले गए हो, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? अगर अभी 6-8 महीने का नजरिया लेना है, तो क्या समय है आपके पास डेट में कोई खास रणनीति इस समय के लिए, 6-8 महीने के लिए प्ले आउट करने का, या आपको लगता है कि जैसा आपका निवेश है उसको फिलहाल छोड़ दें? देखिए कविता जी, पहले तो सबसे बड़ी बात जो ये बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड की हमेशा बात होती है। तो अभी लोग कह रहे हैं कि हमको बैंक एफडी में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जब वो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड के पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं, और बैंक एफडी में अगले 1 साल में क्या रिटर्न मिलेगी वो देखते हैं। उनको देखना चाहिए कि बैंक जो 1 साल पहले एफडी रेट थी, 1 साल की करीब 3.5-4%, और उस समय के बाद अगले 1 साल में म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया, वो सही तरीका है रिटर्न कंपेयर करने का। क्योंकि हमने बार बार देखा है कि जब इंटरेस्ट रेट पीक होते हैं तो ऑब्वियसली बैंक्स आपको ज्यादा एफडी में रेट देंगे, लेकिन अब हम जैसे बात कर रहे थे कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद शायद इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो उस समय डेट फंड्स में जो कैपिटल गेन्स आएंगे उसका हम अंदाज नहीं लगा पा रहे। तो मेरा पहला तो पॉइंट ये रहेगा कि म्यूचुअल फंड का आप अगले 1 साल या 2 साल में कितने रिटर्न आ सकते हैं उस पैमाने पे देखिए। अब किसी के पास 6 महीने 8 महीने का रिटर्न पैसा है, तो मेरे ख्याल से एक डेट फंड में कैटेगरी होते हैं लो ड्यूरेशन फंड। उसमें मुझे लगता है कि 6 महीने से साल भर का पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी बिकॉज मार्केट दरें ऊपर गई हुई है, 1 से 10 साल तक ब्याज दरें समान है। तो 1 साल का पेपर यदि 7.25% के पे मिल रहा है, तो 10 साल का पेपर भी 7.25 पे चल रहा है। तो उस केस में जब हमको लगता है कि इंटरेस्ट रेट पीक हो चुके हैं और ये शायद या तो स्थिर है या नीचे आए, उस केस में आपका जितना लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जैसा आप बोल रहे हैं, यदि आपका 6 से 12 महीने का पैसा है, तो मेरे ख्याल से लो ड्यूरेशन कैटेगरी में लगाना चाहिए। बैंक एफडी में मेरा तो पर्सनल ख्याल है कि हमेशा म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा ही आते हैं, हालांकि म्यूचुअल फंड में थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है। बट एक ये जो मैंने एक बार रिपीट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में पिछले 1 साल का रिटर्न और बैंक एफडी में अगले 1 साल का रिटर्न देखोगे, तो शायद हम उसको सही तरीके से इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी, और उसके बाद हम इस चर्चा को भी समेट लेंगे। क्या वक्त आ गया है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का? पोर्टफोलियो के लिहाज से इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए, इक्विटी में हमें रिकॉर्ड स्तर पर लेवल्स जाते हुए दिखाई दिए हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा रनअप है, तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी में अगर आपको थोड़ा सा मुनाफा ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ हल्का करके कुछ पैसा डाल दिया जाए। काफ़ी कुछ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स की ट्रैजेक्टरी और उससे जुड़ा कोई फैसला पोर्टफोलियो के लेवल पर? तो मेरा ख्याल है कि अभी एकदम मोर और लेस क्लैरिटी है कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए हैं। तो किसी ने यदि अपना पोर्टफोलियो में ड्यूरेशन को इलोंगेट नहीं किया है, सपोज कीजिए 6 महीने पहले क्लैरिटी नहीं थी या 3 महीने पहले काफी एक बार निगेटिविटी आ गई थी मार्केट में, उस समय भी हमने तो यही बोला था कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए। तो वहां पर अभी यदि किसी का 3 साल का पैसा है या 5 साल का पैसा है और वो अभी 3 महीने के डिपॉजिट में या लिक्विड फंड में बैठा है, आई थिंक उसको थोड़ा सा भी अपने आप को एक्सटेंड कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इंटरेस्ट रेट या तो यहाँ पर रहेंगे या नीचे जाएंगे, ये एक एक हमारा असेसमेंट है। तो यदि इंटरेस्ट रेट यहाँ रहते हैं तो आपको 6 महीने वाले प्रोडक्ट में और 3 साल वाले प्रोडक्ट में सिमिलर रिटर्न मिलेंगे, लेकिन यदि इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो ड्यूरेशन के कारण जो कैपिटल गेन होगी उसके कारण 3 साल वाले प्रोडक्ट का रिटर्न 6 महीने वाले प्रोडक्ट से ज्यादा आएगा। तो जब ऐसा माहौल है कि आपका रिस्क रिटर्न बहुत फेवरेबल है आपको ड्यूरेशन एक्सटेंड करने के लिए, तो ये अच्छा समय है उसको
एक्सटेंड करने का, क्योंकि अभी रेट सभी भी ऊंचे दरों पर है और अभी तक मार्केट में हमने कुछ कमी देखी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक आदमी को वैसा रीएलोकेशन करना चाहिए। जहां तक इक्विटी मार्केट का सवाल है और वह रिकॉर्ड लेवल पे है वगैरह, तो उसमें एक तरीका ये देखने का है कि भाई इक्विटी मार्केट रिकॉर्ड लेवल पे है तो इक्विटी मार्केट को कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होगी। आई थिंक अभी लास्ट स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद काफी क्लैरिटी है कि शायद ये गवर्नमेंट वापस आ जाए। ग्लोबल मार्केट्स में भी हमने देखा कि S&P आल्सो अभी जस्ट अब उन्होंने 2023 का हाईएस्ट लेवल टच किया, बिकॉज वहां पर भी लोगों को थोड़ी सी उम्मीद है, पॉजिटिविटी है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग कंटिन्यू। सो वो एक अलग क्षेत्र है, बट मेरा पर्सनल व्यू रहेगा कि जब तक कोई ट्रिगर नहीं हो तो खाली प्रॉफिट बुकिंग के लिए उसका कोई मतलब नहीं। और ये चीज है कि यदि आपका अप्रिसिएशन के कारण आपका डेट इक्विटी का जो पोर्टफोलियो में आपका एलोकेशन है वो जी मेजरली डिस्टर्ब हो गया, तो उसको आप रीबैलेंस कर सकते हैं हाँ, और वो एक अच्छा तरीका रहेगा। चलिए चर्चा को समाप्त करते हैं। वैसे आपके साथ तो हमारे सवाल खत्म नहीं होते, बस समय खत्म हो जाता है। धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, और ईयर एंड की इस खास पेशकश में मुझे भी इजाजत दें। थैंक धन्यवाद कविता जी, एज ऑलवेज फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। यू सो मच सर, थैंक यू।